आज मक्की आटा का पूरी बनाती हूँ। नॉर्मल पूरी तो स्वादिष्ट होती है, मक्की के आटा के पूरी और भी स्वादिष्ट होती है। इसको बनाना भी ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। सर्दी के टाइम पे मक्की के आटा लेना चाहिए, कोई भी फॉर्म पे, रोटी, पराठा, पूरी। वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कप नॉर्मल व्हीट का आटा ले रही हूँ, 1 कप मक्की का आटा। इक्वल पोर्शन लेना है आपको गेहूं का आटा और मक्की का आटा। छान लेती हूँ दोनों को। हरी धनिया काट के रखी हूँ और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन भी काट के रखी हूँ। दोनों को डाल देती हूँ। 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया, 1/2 चम्मच कलौंजी, स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर, मैं यहाँ कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर यूज किया, थोड़ी सी हींग हजमा के लिए, नमक, और पूरी है मायान तो डालना ही है, 1 बड़े चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल के जगह आप बटर या घी भी यूज कर सकते हो। पहले सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरी का डो का जैसे कंसिस्टेंसी होती है सेम टाइप का एक डो बना लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं इसका डो बना लेती हूँ। डो मेरा बन गया है, 10-15 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। 10-15 मिनट हो गया है, आटा रेस्ट कर चुका है। एक और बार इसे गूंथ लेती हूँ और पूरी बनाने के लिए बॉल बना लेती हूँ। नॉर्मल पूरी से थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा और इसका पूरी थोड़ा सा मोटा भी होता है क्योंकि उतना पतला मक्की के आटा को बेला नहीं जाता। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, हाथ में ये चिपक जाता है नहीं तो, और बॉल बना लेती हूँ। पूरी आटा का मैं अभी पूरी नहीं बना रही हूँ, 4-5 ही बना रही हूँ। चकला में भी थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, बेलन में भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बेलने में इजी होगा। अब पूरी बेल लेती हूँ मैं। आप सूखी आटा का भी हेल्प लेके बेल सकते हो, पर उसमें आपका तेल बिल्कुल ही गंदा हो जाएगा फ्राई करते वक्त। तो सारे पूरी मैं बेल लेती हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है, एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ, अभी थोड़ा और होगा तेल गर्म। अब ये हो गया है, पूरी डाल देती हूँ। हल्के हाथों से तेल के नीचे धीरे धीरे इसको दबाना है जिससे ये अच्छी तरह से फूल पाए। टर्न कर देती हूँ, दूसरे साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। एक पूरी मैं निकाल लेती हूँ, दूसरा डाल देती हूँ और पूरी को इस तरह से कढ़ाई के साइड में लाके जितना पॉसिबल है तेल को ड्रेन आउट कर लेती हूँ। ट्रे के ऊपर मैं किचन टॉवल बिछा के रखी हूँ, पूरी को उसके ऊपर रख देती हूँ। एक्सेस ऑयल सारे सोख हो जाएगा और बाकी पूरी भी मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। लास्ट वाला पूरी भी फ्राई होके तैयार है। मैंने फिलहाल 6 पूरी बनाया, बाकी जो आटा है अभी इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में बनाऊंगी। मेरे मक्की का पूरी बनके तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विंटर में मक्की का आटा के डिफरेंट टाइप का चीज़ें बनाया जा सकता है। मेरे चैनल पे इसका चीला, रोटी, पराठा सब कुछ है, आप बना सकते हो। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।